जब भी आप अपना घर बनाते हो तो अपने घर के साइड में आपने सेटबैक जरूर छोड़ा होगा, लेकिन जब आपने सेटबैक छोड़ा और आपके पड़ोसी ने जब घर बनाया और वो आपके प्लॉट में आ गया तो कैसा होगा? कुछ ऐसा? ऐसे लफड़ों से बचना चाहते हो तो जरूरी है कि आप एक बाउंड्री वॉल जरूर दे, जैसे कि एक आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। तो अब इसमें कंपोनेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारा फुटिंग, एक्सकवेशन, ये सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक कॉलम भी बनाया गया है। उसके बाद बनाया गया है यहाँ पर एक ब्रिक वर्क, जो कि ब्रिक वर्क का पूरा बाउंड्री वॉल होगा। लेकिन जैसे आप बिल्डिंग में आप सील बैंड प्रोवाइड करते हो, वैसा ही सील बैंड हमको हमारे बाउंड्री वॉल में भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको आप कोपिन नाम से जानते हो। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके इसे चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।